अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? ये है जी वेम्बले, और आपने फर्स्ट क्लिप में देखा है जी चाय शाय, लेकिन मैं चाय लूँगी चाय वाला से, वो मैं आपको अभी आगे दिखा दूँगी वीडियो में। तो ये है जी इंडियन मार्केट, और हम यहाँ क्यों आए हैं, क्योंकि हमारे एरिया से ये हमें नियरेस्ट पड़ता है, फर्स्ट स्टेशन या सेकेंड स्टेशन तक हम यहाँ आ जाते हैं, तो इज़िली हम यहाँ मज़े करने आ जाते हैं, कुछ भी हमें खाना हो इंजॉय करना हो। तो आज मैंने यहाँ पे एक्सप्लोर किया है जी एक बड़ा ही प्यारा मंदिर, और जैसे कि ये इंडियन एरिया है सारा, यहाँ पर ज़्यादातर हिंदू कल्चर ही है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मस्जिद नहीं है, वो भी है। तो मुझे आज शदीद क्रेविंग हो रही थी चना हलवा पूरी ये सब कुछ ब्रेकफास्ट में लेने के लिए। हस्बैंड ऑलरेडी इल्फर्ड लेन से पता करके आए, क्योंकि वो बहुत मॉर्निंग टाइम गए जॉब से ऑफ के बाद, तो अनफॉर्चुनेटली सब क्लोज थी शॉप्स, तो हमें नहीं मिला। लेकिन जब हम लोग वेम्बले आए हैं, तो पूरे वेम्बले को छानने के बाद फाइनली हमें एक जगह से हलवा पूरी मिल गई, और साथ हमने फ्रेश पूरियाँ बनवाई, सॉरी हलवा नहीं मिला, चने मिले, तो साथ हमें दही बड़े वगैरह ये सब कुछ ले लिया। और वापसी पर फिर हमने चाय वाला से चाय ली, और बड़ी कड़क चाय, ज़बरदस्त चाय थी, मज़ा आ गया। और खाना हमने घर आकर ही खाया, क्योंकि हमारे साथ मूसा था, तो आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि मैं कहीं डाइनिंग नहीं कर सकती, क्योंकि बेबी अभी छोटा है तो मुश्किल होती है अभी। तो ये है जी सुबह सुबह का टाइम, और हम लोग बड़े मज़े से आए हुए हैं जी ब्रेकफास्ट लेने के लिए, और साथ मैंने अपने लिए ले ली चाय, चाय मज़े की थी। इसके बाद हमने इवनिंग में किया ट्राई इंडियन फूड, जिसमें था मुझे डोसा। लाइफ में फ़र्स्ट टाइम मैंने इंडियन डोसा ट्राई करना था, मुझे वीडियोस और मूवीज़ में ही देखा गया कि ऐसे होता है, प्लेटर टाइप बना होता है, चटनी होती हैं एंड ऑल, तो सोचा चलें ट्राई करते हैं। तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा, हमने एक्चुअली पिज़्ज़ा डोसा ट्राई करवाया, और आपको पता है कि सब नॉन वेज ही होना था, तो सारे इंग्रेडिएंट्स जो थे वो सारे वेजिटेबल्स के साथ ही बना हुआ था, लेकिन इसका टेस्ट वाकई ही अच्छा था, ये एक डिफरेंट चीज़ थी, और बड़ा हमने इंजॉय किया। डोसा लेने के बाद हमने कुछ मीठे ट्राई किए, एक रायन बेकरी हमें रास्ते में मिली, बहुत ही मज़ेदार, और डोसा हमने एक ही लिया था, तो सोचा कि शायद उसे हमारी भूख ना भी उतरे, तो हमने अपने लिए दो रैप बनवा लिए, खाया हमसे एक ही गया। और ये लेबनानी रेस्टोरेंट था, तो बड़ा ही ज़बरदस्त हमारा आज का जो मील था, ब्रेकफास्ट से लेके रात के एंड तक हमने बस फूड स्ट्रीट में ही सब कुछ ट्राई किया है, घर पे कुछ नहीं बना। होप यू लाइक द व्लॉग, और अपना ख्याल रखिएगा, डू लाइक माय वीडियो, थैंक यू।